सभी टीचर्स को एक बार फिर गुड आफ्टरनून, सादर स्नेह। देखिए, मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप अपने इस बच्चों की पढ़ाई के अभियान को और अच्छा कारगर साबित कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। आप समय समय पर उनके वर्कों को चेक करते रहें, उन्हें गुड, वेरी गुड, वेल डन, नाइस, अच्छा, अति सुंदर समय समय पर बताते रहें। बच्चे को अच्छा लगता है जब जब बच्चे को अब कोई भी अच्छी चीज़ इस तरह से आप शो करते हैं तो बच्चे अंदर अंदर बहुत खुश होते हैं और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। जिस बच्चे ने कुछ थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं लिखा या वर्क ठीक नहीं किया, आप उसे भी अच्छा बता करके, गुड बता करके, बट एक सुझाव के द्वारा बाद में लिख सकते हैं कि आप यदि ऐसा करें, थोड़ा अपने अंदर ऐसा चेंज कर लें और बेहतर रहेगा। तो जो बच्चा गलती कर रहा है वो भी सुधार करेगा और भविष्य में कहीं ना कहीं उसका मनोबल भी नहीं टूटेगा। दूसरी बात, एक बात मैं और आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को इस ऑनलाइन पढ़ाई से एक बात कहकर वो जोड़ सकते हैं और ऐसा करना भी है, करना भी है, क्योंकि हमने डिसीजन भी ले लिया है और आपको भी पसंद आएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जैसे ही हमारी इन छुट्टियों को खत्म होने का समय आएगा जुलाई में, या जब भी कभी ऐसा होगा कि विद्यालय खुलेंगे, जस्ट उसके बाद जो भी हमने वर्क ऑनलाइन कराया है, बच्चों ने नोट्स तैयार करे हैं, जस्ट बाद उनके एक एग्जाम करेंगे इसी से रिलेटेड। क्योंकि पहला सेमेस्टर हम लोग ऑन क्लास नहीं करा सकते, तो हमने जो इस बीच में जितना भी वर्क कराया है, जो भी हमने वर्क कराया, हम उसी के थ्रू, उसी के द्वारा अपना पहला एफए फर्स्ट, पहला सेमेस्टर का एग्जाम करेंगे। उसमें जो भी 20 या 10 मार्क हमारे उसमें होते हैं वो तो हम देंगे, उसमें तो हमारा एग्जाम होगा ही होगा। बट इस ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने वाले जितने भी छात्र रहेंगे, उनकी नोटबुक तैयार रहेगी इस पीरियड की, उन्हें 10% या जो एक्टिविटी मार्क हमारे रहेंगे इस बार, उन्हें दिए जाएंगे। जो बच्चे इस ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं जुड़ पाए, उनके पास एबिलिटी थी, मल्टीमीडिया मोबाइल थे, उनके आगे कोई मजबूरी नहीं थी, उनके ये एक्टिविटी मार्क्स काट दिए जाएंगे। और बार बार अपील करते रहें पेरेंट्स से कि जिनके पास भी मल्टीमीडिया मोबाइल है और वो जो लोग जो मजबूर हैं, मोबाइल नहीं ले सकते, ऑनलाइन पढ़ाई अपने बच्चों की नहीं करा सकते, तो वे ऐसे पड़ोसी बच्चों को भी कहीं ना कहीं मदद करें ताकि वे भी अपने नोट्स बना लें। तो आप अपने बच्चों से बार बार बताते रहें कि आप इस ऑनलाइन पढ़ाई कराने का भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। समय तो कहीं ना कहीं आपका सदुपयोग हो रहा है, बट आपको इसके मार्क भी मिलेंगे। और ये एक साधन है इस छुट्टी के समय में, जब पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, हम क्लासें नहीं ले पाते, जब क्लास नहीं ले पा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में एक ये ही रास्ता, ये लास्ट बचा है जो हम अपने बच्चों की पढ़ाई निरंतर करा सकते हैं। धन्यवाद।